नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की एक ऐसी एड ऑन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि ऐसी TDL फाइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर उस TDL फाइल को हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो जो आज के टाइम में अकाउंटेंट लोगों के लिए जो सबसे बड़ा मुश्किल का काम जो बना हुआ है वो यही है कि हमारा जो ITC का जो रिकॉर्ड है वो हमारा हर मंथ के एंड पे 2A या फिर 2B के साथ मैच करना। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने परचेज वाउचर की एंट्री कर ली, लेकिन उस परचेज वाउचर का जो रिकॉर्ड है वो हमें हमारे 2A में या फिर पोर्टल पे 2B में शो नहीं करता। तो उसके लिए हमें अलग से मेहनत करके एक्सेल फाइल का डाटा हमें तैयार करना होता है, उसको मैनुअल रूप से रिकनसाइल हमें करना होता है भी ये जो रिकॉर्ड है ये अभी तक हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड है, यानी कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में तो हमें एंट्री कर ली, लेकिन अभी तक इसका डाटा पोर्टल पर शो नहीं हो रहा। जब हम पोर्टल पर शो हो जाता है तो हम उसको एक्सेल फाइल से डिलीट कर देते हैं। तो यानी कि काफी हद तक ये मेहनत का काम बना हुआ है। तो दोस्तों, अब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इस TDL फाइल से हम टेली सॉफ्टवेयर में ही इसके साथ कलर के साथ इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि अगर कोई हमारी फाइल कोई परचेज वाउचर के सामने अगर कोई ग्रीन सिग्नल मिल रहा है हमें तो इसका मतलब ये जो परचेज का वाउचर है ये हमारा पोर्टल पे 2A और 2B के साथ मैच हो रहा है। अगर कोई ब्लू कलर के साथ अगर हमारा परचेज वाउचर को इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड है ये हमारा पोर्टल पे आधा अधूरा रिकॉर्ड मैच हो रहा है। मैच तो हो रहा है लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं है। अगर किसी वाउचर के आगे रेड कलर का निशान है तो इसका मतलब वो रिकॉर्ड केवल हमारे टेली सॉफ्टवेयर में ही है, वो पोर्टल पर अभी तक न तो हमें कहीं 2A में शो हो रहा नहीं कि 2B में शो हो रहा। तो दोस्तों, इसको किस तरीके से टेली सॉफ्टवेयर में कलर वाइज इसको इंडिकेट कर सकते हैं ताकि हमें पता चलता रहे भी अभी तक इतने जो इनवॉइस है अभी पोर्टल पर शो होना बाकी है। तो दोस्तों, TDL फाइल का नाम क्या है, TDL फाइल आपको कहां से मिलेगी, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हम इस TDL फाइल से हमारा GSTR 1 का डाटा और GSTR 2 का डाटा दोनों को रिकनसाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम परचेज वाउचर को रिकॉर्ड को देखते हैं भी हमें किस तरीके से ये ऑप्शन कलर का जो इंडिकेट हमारा शो होता है ये कलर इंडिकेट किस तरीके से शो होगा और कौन सा कलर है जो किस टाइप की एरर को इंडिकेट करेगा। तो इसके लिए हम टेली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो एक बार हमने जो परचेज वाउचर की एंट्री जो कर रखी है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम सेल वाउचर पर भी चलेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम टोटल कंप्लीट परचेज रजिस्टर देखने के लिए डिस्प्ले पर हम जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे और उसमें से हम परचेज रजिस्टर को ओपन कर लेंगे और जितने भी हमारे पास परचेज वाउचर की एंट्री के लिए सभी को हम एक बार ओपन कर लेंगे, यानी कि पूरे साल के डाटा को एंट्री को समझने के लिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हो इसके अंदर इसी टाइप के आपको कलर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन सिग्नल, ब्लू कलर का सिग्नल और रेड कलर का सिग्नल। तो दोस्तों, हम किसी भी एक वाउचर को ओपन करते हैं। अब मान लीजिए जैसे एक बार हम सबसे पहले चलते हैं ग्रीन वाले पे, जैसा कि सिंपल हमें एंट्री पास करनी है, सिंपल जिस तरीके से स्टॉक आइटम का क्वांटिटी वगैरह डाल के CGST टैक्स सब कुछ लगा देंगे और उसके बाद में ये ऑप्शन आपको यहाँ से दिखाई देगा, इन GSTR 2A मिसमैच। तो दोस्तों, अब इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये जो वाउचर है ये हमारा GSTR 2A पोर्टल के ऊपर हमारा शो हो रहा है, इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई भी मिसमैचिंग नहीं है। तो हम इसको GSTR 2A ऑप्शन को तो रखेंगे यस और मिसमैच को कर देंगे नो। तो जैसे हम करेंगे और इस वाउचर को हम सेव करेंगे तो इस वाउचर को सेव करने के बाद में परचेज रजिस्टर में इस वाउचर के आगे ऑटोमेटिक इस तरीके से आप देख रहे हो ये ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, यानी कि ये आपका परचेज वाउचर बिल्कुल ओके है। उसके बाद में हम चलते हैं इस ब्लू कलर पे। अब ब्लू कलर का इंडिकेट आपका क्या कर रहा है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे भी इन GSTR 2A। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया भी ये जो रिकॉर्ड है ये हमारा पोर्टल पर तो हमें शो कर रहा है लेकिन इसमें अभी कुछ भी सही नहीं है, यानी कि मिसमैच आ रहा है। मिसमैच होने का मतलब क्या हो गया, अब मान लीजिए ये जो इनवॉइस है हमारे पास जो इनवॉइस आया है वो टैक्सेबल वैल्यू 1000 रुपये की है और 90 रुपये और 90 रुपये टैक्स की अमाउंट साथ में लगी हुई है, लेकिन पोर्टल के ऊपर ये 1000 की बजाय मान लीजिए आपका 1100 रुपये शो कर रहा है या 980 रुपये शो कर रहा है या 900 रुपये शो कर रहा है, यानी कि ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स की जो अमाउंट है वो पोर्टल पर मैच नहीं कर रही है। तो उस कंडीशन में हम क्या रखेंगे
इन जीएसटी आर 2A को तो रखेंगे नो और मिसमैच को कर देंगे हम इसको यस, यानी कि 2A के अंदर तो है लेकिन मिसमैच इसके अंदर है। तो जैसे हम इस टाइप को एक्सेप्ट करेंगे तो इसके आगे लग जाएगा इस तरीके का ब्लू कलर का इंडिकेट। तो उसके बाद में हम करते हैं रेड कलर वाले को। तो जैसे हम रेड कलर को ओपन करेंगे तो रेड कलर का मतलब क्या आ गया, इस कंडीशन में हम क्या रखेंगे, इन GSTR 2A और मिसमैच दोनों को ही नो रखेंगे, यानी कि ये न तो हमें कहीं पोर्टल पर शो हो रहा है और ना ही इसमें कोई किसी टाइप की एरर है। तो अगर 2A पे अगर मैं मैच हमें शो ही नहीं हो रहा तो मिसमैच का तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में हम GSTR 2A को नो रखेंगे और मिसमैच को भी नो करेंगे। अगर आपने मिसमैच को यस कर दिया तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर ये समझेगा भी वो आपका 2A में पोर्टल पे तो शो कर रहा है लेकिन इसमें एरर है, उसकी वजह से आप इसको ब्लू कलर कर रहे हो। तो इसमें क्या आपकी जो रिपोर्टिंग है वो आपको अच्छी तरीके से समझ सकते हो और इस वाउचर को हम सेव करेंगे। तो जैसे हम परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों, जैसा कि हम चलते हैं वापस बैक और मान लीजिए जैसा कि ये वाउचर है, ये वाउचर रेड कलर में आ रहा है। तो दोस्तों अब होता क्या है, अब कुछ ऐसे डीलर्स होते हैं जो अपनी क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न को फाइल करते हैं, वो मंथली आईएफएफ पे जो फाइल प्रॉपर नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से क्या होता है भी हमें 2B के अंदर 2A के अंदर पोर्टल पे डाटा शो नहीं होता। तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं भी कहीं एंट्री हमारी तरफ से तो गलती नहीं हो रही है। तो हम उसको परचेज वाउचर को सही मानते हुए इसको एक बार हम रेड की कैटेगरी में रख देते हैं भी अभी तक ये डाटा मैच नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही क्वार्टर एंड होता है हमें पता चलता था अभी ये जो इनवॉइस है अब ये पोर्टल पर शो होना शुरू हो गया, यानी कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया GSTR 1 को। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको वापस है जो ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरीके से करेंगे, जिस वाउचर को आपको ग्रीन में कन्वर्ट करना है यानी कि ओके रिपोर्ट आपको दिखानी है तो हम स्पेस बार से उस वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो इस टाइप के ये कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सेट GSTN स्टेटस का, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास इन GSTR 1 2A और उसको हम कर देंगे यस। अब मान लीजिए मिसमैच भी कुछ भी नहीं है, इसको हम कर देंगे यस। तो जैसे हम यस करेंगे तो आप देखोगे ये जो हमारा अभी तक जो रेड था वो अभी से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर कोई ब्लू कलर वाला आपका ओके हो गया है तो आप इसको भी वापस स्पेस बार से हम सेलेक्ट करेंगे, सेट GST नंबर पे जाएंगे और इसको भी हम ओके कर देंगे। तो जैसे जैसे हम ओके करते जाएंगे ये सब रेड वाले या फिर ब्लू वाले वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो इससे क्या हमारी रिपोर्टिंग हमें थोड़ा सा एक आइडिया हमारा बना रहता है भी ये जो अभी तक इतने जो इनवॉइस है भी पोर्टल पर शो हो नहीं रहे इसको हमें बाद में देखना होगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, एक्सेल में एक अलग से सेपरेट फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ से हम जैसे जैसे मैच होता जाता है वैसे वैसे या से या तो उनको हम कलरफुल कर देते हैं या फिर उस इनवॉइस को उस एक्सेल फाइल से डिलीट कर देते हैं। तो यानी कि एक थोड़ा सा एक बर्डन का काम है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत अकाउंटेंट लोगों की लग रही है। तो दोस्तों अब इसी कंडीशन में सेम हम सेल का भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। जब हम सेल वाउचर की एंट्री हम करते हैं F8 हम करते हैं तो आप GSTR 1 के अंदर भी सेम रिकॉर्ड आप देख सकते हो, यानी कि अब ऐसा कोई भी रिकॉर्ड है जो आप गलती से आपसे रह गया हो, यानी कि मान लीजिए आपको URD आपने GST नंबर प्रॉपर कस्टमर का नहीं डाला हो या आपने जो केस की सेल दिखा दी उधार की सेल थी तो उसकी वजह से कुछ भी एरर आ सकते हैं। तो आप GSTR 1 को भी यहाँ से प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकते हो, GSTR 1 पे शो हो रहा है नहीं हो रहा, मिसमैच है या नहीं है, तो हम परचेज वाउचर में और सेल वाउचर में दोनों को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम इसको देखते हैं रिपोर्टिंग में जाके तो डिस्प्ले पर हम जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे और सेल रजिस्टर पर जैसे ही हम जाएंगे तो आप देख रहे हो अभी तक ये सारे के सारे रेड में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर हमने किसी भी टाइप की कोई चेंजिंग नहीं करी है। तो जैसे हम इसी को एक आधे को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए GSTR 1 का पार्ट है बिल्कुल है, मिसमैच इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको हम कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कुछ एरर है तो आप उसको एरर के रूप में ब्लू कलर का भी सिग्नल यहाँ से आप दिखा सकते हो भी GSTR 1 तो है लेकिन इसमें अंदर मिसमैच है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इस टाइप का जो एंट्री होगी वो आपको यहाँ पर ब्लू कलर में शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको एक प्रॉपर आइडिया लेने के लिए हम इसको परचेज वाउचर में और सेल वाउचर में कलर के साथ इंडिकेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं भी इस TDL फाइल का नाम क्या है। तो TDL का जो फाइल है आपको यहाँ से पता चल जाएगा TDL एडोन्स पे, तो यहाँ पर इस फाइल का ये नाम रहता है भी GSTN रिकनसाइल्ड वाउचर मार्क हेल्पर। तो इस नाम से आप टेली
शॉप पे जाओगे, टेलीशॉप आपको हेल्प पे जाओगे। तो दोस्तों अब ये जो TDL फाइल है ये केवल लाइसेंस वर्जन पे ही काम करेगी, अगर आप एजुकेशनल मोड यूज करते हो तो वहां पर ये वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको टेलीशॉप पे जाना होगा और सेम जो नाम है वो आपको टेलीशॉप पे यहां पर सर्च कर देना है और उसके बाद में TDL फाइल को इंस्टॉल आप कर सकते हो। अब TDL फाइल को हम इंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हैं इस पे मैंने काफ़ी ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको एक बार देख सकते हो भी हम TDL को किस तरीके से अपलोड करते हैं टेली सॉफ्टवेयर में, तो आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर ये TDL फाइल आपको लगता है भी अकाउंटेंट लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको कैसे लगी ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।